हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बड़ी अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के दिवाली बोनस को लेकर, इवन एड होक एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए भी बोनस देने की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। पूरी न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ, जो भी हमारा चैनल कंपटीशन तक पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो अपडेट्स हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुँच सके। तो देख सकते हैं न्यूज़ आपके सामने है, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एडहॉक बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एडहॉक बोनस देने की घोषणा की है। सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अनगजेटेड ऑफिसर या कर्मचारी एम्प्लॉय जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस के जो पात्र हैं, मैं डिटेल दिखा रहा हूँ पूरी। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। कर्मचारियों का औसत वेतन गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम हो उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। यदि किसी कर्मी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका 30 दिनों का बोनस लगभग 6,907 रुपये रहेगा। इस तरह के बोनस का फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही होगा जो 31 मार्च 2021 को सेवा में रहे हैं। साल 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी जिन्होंने भी दी है उनको फायदा मिलेगा। आदेश में कहा गया है जो कर्मचारी अस्थायी तौर से यानी कि टेम्परेरी रूप से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए उन्हें भी यह बोनस मिलेगा, बशर्त है कि उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक ना रहो, सस्पेंड ना हो एटसेट्रा। ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 का उससे पहले सेवा से बाहर हो गए, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या फिर रिटायरमेंट हो गया, उसे स्पेशल केस माना जाएगा। इसके तहत वे कर्मी जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए, उन्होंने भी वित्तीय वर्ष में 6 माह तक नियमित ड्यूटी की है, तो उसे एडहॉक बोनस की योग्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर प्रोराटा बेसिस पर बोनस तय किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा वे कर्मचारी जो विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर केंद्र शासित प्रदेश या किसी PSU में 31 मार्च 2021 को कार्यरत हैं, तो उन्होंने लेंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाला विभाग यह बोनस नहीं देगा। ऐसे केस में उधार देने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वह एडहॉक बोनस PLB या इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बस शर्त यह है कि वहाँ ऐसे प्रावधान चलन में हो। कोई कर्मचारी सी या इसके ऊपर के ग्रेड में है तो उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इस बाबत एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है। तो ये बड़ी न्यूज़ आपके सामने है। पूरे डिटेल्ड न्यूज़ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये न्यूज़ रेवाड़ी अपडेट से ली गई है वेब पेज से, इसके अलावा अमर उजाला के फीड से ये ली गई है न्यूज़ मेन, उन्होंने भी वहीं से ली है। कौन नहीं होंगे पात्र, इसमें भी बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी वित्तीय वर्ष में सस्पेंड रहा है तो उसके लिए बोनस के नियम अलग बनाए गए हैं। ऐसे कर्मी जब दोबारा सेवा में आते हैं तो उन्हें पहले वाले सभी लाभ मिलते हैं, तो उस स्थिति में उन्हें एडहॉक बोनस की योग्य माना जाएगा। तो ये डिटेल आपके सामने है, पूरा न्यूज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जो न्यूज़ हमें मिली आप लोगों तक पहुँचाइए, तो फर्दर कोई नया अपडेट आएगा हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे।